देखिए एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 44 है, ठीक है, 24 है, तथा छठे और दसवें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यानी कि किसी एपी के ए चौथा पद, तो A4 + A8, ठीक है, इसका योग कितना दिया है 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए, ठीक है। आ A4 मतलब क्या, A+3D होगा, और A8 का मतलब क्या, A+7D, अब बराबर 24, याद है ना, कहाँ से आ रहा है 3D, देख लीजिए कहाँ से आ रहा है, ना तो भुलाइए गए होंगे आप लोग। A4 बराबर होता है A+AN, बराबर आपका फॉर्मूला होता है A+N-1 × D, और AN के जगह क्या है A4, और A का A और N का वैल्यू 4 है, तो 4 में से 1 गया तो 3D। उसी तरह यहाँ A4 बराबर A+3D और A8 बराबर, यानी कि जो पद रहता है ना उससे एक वो कम आपका कर दीजिए और उसमें डी से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन कह रहा है छठे और दसवें पदों का योग, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे A+5D + A+9D, इसका योग कितना है 44, समीकरण 2, ठीक है, यानी कि छठे यानी कि A+5D छठा पद हो जाएगा और दसवें यानी कि A+9D आपका दसवां पद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, चाहे यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या है, माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो माइनस, ठीक है, तो ये एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, ठीक है, आई 3D प्लस में या 5D माइनस में, तो 3D और 5D, 3D में से 5D जाएगा तो बचेगा आपका -2D, यहाँ पर तो 0 हो गया, आप 7D में से -9D जाएगा तो बचेगा -2D, और 24 में से -44 जाएगा तो आपका बचेगा -20, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए, -2D -4D बराबर -20, माइनस से माइनस कट गया तो डी बराबर आपका हो गया 20/4 यानी कि 5, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 5, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आपका क्या दिया है A+3D + A+7D बराबर 24 दिया है ना, 24 दिया है, ठीक है। अब देखिए एक गो ए, दो गो ए, तीन गो डी, सात गो डी, दस गो डी बराबर 24, ठीक है, और 2A के 2A, 10 के 10, और डी का वैल्यू कितना निकाला है 5 बराबर 24, ठीक है, तो 2A बराबर 24, आई 10 × 50 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2A बराबर आपका हो गया -26, ठीक है, और 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो A बराबर -26/2, यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया आपका -13 आ गया। तो जब A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया तो हम कितना भी पद लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दिखाई देगा ना, दिखाई देगा, देखिए पहला पद तो आपका -13 हो गया, और दूसरा पद लिखने के लिए क्या करते हैं A+D लिखेंगे, ठीक है, तो -13 में +5 जोड़िएगा तो -8, फिर -8 में +5 जोड़िएगा तो -3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, -13 -8 -3, ठीक है, दिखाई दे रहा है, उतार लीजिए, बस ख़त्म।